किसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे इस बार हिस्ट्री uh, की अगर बात करें तो कहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस था और वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन वापस आ गया अच्छा आ, तो, थे। आ, ठीक। तो आपने uh, आपके हिसाब से पिछले साल का जो ट्रेंड uh, बना हुआ है हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए तो वो वैसे ही कायम था Uh, हाँ मैम एक दो क्वेश्चन तो है कि जो नहीं होने वाले थे जैसे ट्विस्टर का क्वेश्चन हो गया जैसे ऐसे जो, तो जो, जो पिछले ट्रेंड में नहीं था और अब आ गया। अच्छा और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्यादा मैप बेस्ड क्वेश्चन थे मैम ज्योग्राफी का एक तो यही हो गया अपना ट्विस्टर वाला था उससे रिलेटेड था इसके अलावा क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फोकस था तो इजी थे कर सकते थे अच्छा तो ज्योग्राफी में ज्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी थी डोमेस्टिक ज्योग्राफी थी वर्ल्ड सोसाइटी और ज्योग्राफी तो तो अच्छा, के बीच की जो मीडियम लाइन थी हाँ, वो उससे पता नहीं चला वो ज्योग्राफी का भी सकते सोसाइटी का सोसाइटी में ज्यादा फोकस किस पे थे सोसाइटी पे मैम जो इक्विटी हो गया वुमेन एम्पावरमेंट हो गया से क्या इम्पेक्ट इनका भी तो आपके हिसाब से जैसे अगर आप दो हजार पच्चीस वाले बच्चों को अगर कुछ गाइडेंस दो आज का पेपर देख के तो आप क्या उनको ही रिलेटेड कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया इस बार थोड़ा करंट पढ़ लो तो करंट बेस्ड थे बेस्ड थे वो जैसे ट्विस्ट वाला क्वेश्चन हो गया करंट पे था और इसके अलावा और भी बाकी चीजें हैं

नहीं पेपर काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पर था अच्छा। और क्वेश्चंस uh, कुछ ऐसे मैं नहीं कहूँगा थे बट ये है कि कई बार हम वो जो छोटे टॉपिक छोड़ देते हैं जैसे डेमोग्राफिक विंटर या ट्विस्टर उस okay. तरह के क्वेश्चंस पूछे जो बस हम बस नजर मार के छोड़ देते हैं तो, वो थोड़ा दिखा रहे हैं uh, पार की ओके सो हिस्ट्री की अगर बात करें तो ज्यादा फोकस किस पे था हिस्ट्री में इस बार साउथ इंडियन हिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहा इस बार मुझे okay. लगता है तो वो थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे साउथ इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड uh, हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन था वर्ल्ड uh, वॉर का आई अच्छा? थिंक uh, इस बार पोस्ट इंडिपेंडेंस पे एक्सपेक्टेड था लेकिन वो क्वेश्चन नहीं हुआ सोसाइटी वाज आल्सो गुड सोसाइटी वाज आल्सो गुड टॉकिंग अबाउट जनरल टॉपिक्स इन सेंस की डिप्रीवेशन कल्चरल डाइवर्सिटी So kind of okay ज्योग्राफी में बात करें तो कौन सा मैप बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस आए थे और आपने कैसे uh, निकाला की? मैं आपको पता हाँ, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस थे, थे जो आप बस रीड करके छोड़ दे लाइट अच्छा। uh, uh, का क्वेश्चन या ट्विस्टर का क्वेश्चन जो है या इनफैक्ट क्लाउड बर्स का भी क्वेश्चन देखे तो ये रेफरेंसेस है ये बहुत डिटेल स्टडीज नहीं है तो उस तरह के क्वेश्चंस आए लेकिन जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन थे ये आपने कैसे देखा कि इसमें यार मैप की जरूरत है वो तो आपको प्रैक्टिस करते हो समझ में आ जाता है क्वेश्चन में, तो में थे. थे। थे। बन। आप आप एक्सपीरियंस ना जो नए बच्चे उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है ओके सो so, uh, बात करें तो आपने इतने टाइम से ये जो uh, एग्जाम दिया है तो अगर इस बार का पेपर आप देखो तो 2025 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस बार का पेपर देखने के बाद क्या आप आप एडवाइस लगता है कि एक तो डरे ना क्योंकि यूपीएससी हमेशा एक्सपेक्टेड लाइन पे पेपर पे पे देता है एनसीआर को अपना बेस बनाए और कॉम्प्रेहेंसिव uh, रीडिंग करें okay. है ना जैसे मैं बता रहा हूँ नजर मार के छूट जाते हैं वो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बिल्कुल तो बेसिकली मल्टीपल सोर्सेज पर ना न लिमिटेड सोर्स रखें और कॉन्फिडेंस रखें आई थिंक दैट हेल्प That's amazing. Thank you so much and wish you all the best. मैं तो बताइए कैसा रहा आपका इस बार का पेपर? आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये वाला? Uh, ये मेरा थर्ड थर्ड अटेम्प था। ओके। okay. oh. तो अगर बात करें तो पिछले दो अटेम्प के हिसाब से और PYQ के हिसाब से तो इस बार कैसा पेपर था? Uh, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत इजी था hmm. uh, और प्रेडिक्टेड uh, था। हां। तो ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताइए जो बिल्कुल आपने जिसकी तैयारी नहीं करी थी या बिल्कुल आपके आपसे छूट गए ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे? एक तो जोग्राफी का था टेस्ट करके क्या था ऐसे कुछ वो okay. में वो मुझे नहीं पता था और किस आपने आप हिसाब से से कौन क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वाले जो आए हैं उन, उनके बारे में बताइए ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोसाइटी में फिर okay. और ऑस्ट्रेलिये और 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 जो इजी और प्रेडिक्टेबल थे

Hello that's amazing thank you so much thank you